अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड 2015 में लेसन नंबर 18। आज के इस लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है, उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। आज के इस लेसन में हमने देखना है एलिप्स शेप्स क्या होती है और एलिप्स शेप्स को किस तरह इंसर्ट किया जाता है। पर्पज़ ऑफ एलिप्स शेप्स, एलिप्स शेप्स का मकसद क्या है, हाउ टू इंसर्ट एलिप्स आर्क का क्या फंक्शन है, पर्पज़ ऑफ डिफरेंट कमांड एंड ड्रॉ एलिप्स, एलिप्स को ड्रॉ करने में कौन कौन सी कमांड यूज होती है, जैसे सेंटर और आर्क, इन दोनों का क्या फर्क, फायदा और इन दोनों में क्या फर्क है। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा और एलिप्स शेप्स जो है वो आपस ड्रॉ बार में लोकेटेड है। ड्रॉ बार में आप देखें एलिप्स, और एलिप्स में आपको यहाँ पे टाइप्स नजर आ रही होंगी। उसके अलावा आप ड्रॉ बार में जाएं, मेन्यू बार में, और यहाँ पे भी एलिप्स आपको नजर आ रहे हैं। इस एलिमेंट सेंटर, एक्सेस एंड और आर्क नज़र आ रहे होंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसके अलावा एलिप्स की जो शॉर्ट कमांड होती है वो EL, इसकी शॉर्ट कमांड होती है EL P, फिर से इंसर्ट करता हूँ यहाँ से। EL इसकी शॉर्ट कमांड होती है। EL आप एंटर करते हैं तो इसके साथ एलिप्स अप्लाई हो जाता है। तो एलिप्स कमांड क्या है जी, आप देखें, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें और यहाँ पे एलिप्स शेप बना सकते हैं। EL एंटर, फर्स्ट पॉइंट, F8 को प्रेस करें ताकि स्ट्रेट लाइन लाए, क्लिक करें और मूव कर दें इसको, कॉर्नर को मूव करें, जितना मूव करेंगे इतनी ज़्यादा एलिप्स कमांड दे सकते हैं, देख सकते हैं। अब एलिप्स में भी क्या क्या चीज़ें आपके पास आती हैं जी, एलिप्स के पास, एलिप्स में आपके पास आता है सिंपल, पहले एलिप्स है, सेंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये आपके पास एलिप्स कमांड आ गई। EL एंटर, एलिप्स में हमने आर्क देनी है, सेंटर देना है, तो उसके लिए आप ए या सी प्रेस करेंगे तो आर्क आ जाएगी, और सी प्रेस करेंगे सेंटर। तो मैं यहाँ पे पहले फॉर एग्जांपल ए प्रेस करता हूँ आर्क के लिए, ए एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करता हूँ, सेकंड पॉइंट क्लिक करता हूँ, और जहाँ से आपने आर्क देनी है उस पॉइंट को मैं क्लिक करता हूँ, दूसरे पॉइंट को क्लिक करता हूँ। देखें यहाँ पर क्या हो गया, हम बस एक आर्क ड्रॉ किया, देख सकते हैं यहाँ तक एक आर्क ड्रॉ किया, एलिप्स शेप में एक आर्क अपने ड्रॉ कर ली। दूसरा तरीका है EL P एंटर, सॉरी हेल्प आ गया, EL एंटर, सेंटर के लिए सी एंटर करें, जो भी हमने स्टार्ट किया था, तो ये सेंटर में एलिप्स आ गए। अब इस एलिप्स को आप एक्यूरेट रेडियस भी दे सकते हो, सेंटर भी दे सकते हो, तो उसके लिए आप EL एंटर करें, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, 10 फुट के फासले पे एलिप्स कमांड, एलिप्स आ जाए, और इसका जो हमारे पास एंगल हो वो हो फॉर एग्जांपल 5 एंगल आ जाए इसका। तो आप देख सकते हैं 5 के एंगल में हमारे पास एलिप्स कमांड अप्लाई हो गई है। फिर बताता हूँ आपको, EL एंटर, यहाँ से 10 फुट एंटर, और इसका हमारे पास आ जाए जी फॉर एग्जांपल एलिप्स 9 फिट एंटर करें ना, देखिए एलिप्स कमांड ये इस तरह शेप हमारे पास आ गई है। तो ये एलिप्स में आप एक्यूरेट डिस्टेंस भी देके आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है एलिप्स में आपके पास सेंटर के बाद है एक्सेस एंड, क्लिक करें इस पे, इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करें, सेकंड पे क्लिक करें, और थर्ड पे आप इसको जितना मर्जी आप देना चाहें एलिप्स में साइज देना चाहें, 6 फिट एंटर करता हूँ, तो देखिए 6 फिट के साइज पे हमारे पास एक एलिप्स ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट आपके पास जो एलिप्स है वो है एलिप्स आर्क, क्लिक करें फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे, और जहाँ से आपने आर्क स्टार्ट करनी है वहाँ से आप दें। तो मैं आर्क स्टार्ट करता हूँ 5 फुट से लेके, और लास्ट में इसको स्टार्ट करता हूँ आर्थों में 45 के एंगल तक, मैं इसको आर्क दे देता हूँ, आप देख सकते हैं
45 के एंगल पे आ गया और उसके करीब आप एंगल देख के एंटर कर दें, 16 एंगल पे एंटर करें ना, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पूरा का पूरा 16 एंगल जो हमारे पास 16 लेंथ तक हमारे पास आर्क बन गया। फिर मैं ये चीज़ अप्लाई करता हूँ, ई एल पी एंटर, ई एल एंटर, आर्क के लिए ए एंटर, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, 10 फिट एंटर, और आर्क में देता हूँ इसको, कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 4 फिट से लेके 8 फिट तक देख सकते हैं। और यहाँ से आपने जितना मर्जी आप साइज देंगे ना, क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा है, क्लिक करें तो वापस ये वाली इसकी आर्क बच गई है, देख सकते हैं। इस आर्क की लेंथ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएं, डायमेंशन पे जाएं और आर्क लेंथ पे क्लिक करें, क्लिक करें और पूरी डायमेंशन है बस, आर्क लेंथ क्यों नहीं बता रहा, यहाँ पे दे रहे हैं कि ये जो आपने ये जो चीज़ है जो आप सिलेक्ट करें ये आर्क नहीं है, मीन ये एलिप्स में से एक शेप निकाली गई है, एलिप्स में से कोई चीज़ निकाली गई है, देखिए आर्क नहीं है, जब उसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास पूरी एलिप्स आती है, तो मतलब एलिप्स में से हम थोड़ी सी आर्क निकाल सकते हैं लेकिन उसको ये मयर नहीं कर सकता, मयर नहीं करेगा कि कितनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इन लेसन को बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए आर्क क्या होती है, एलिप्स क्या होता है, एलिप्स में आप आर्क किस तरह निकाल सकते हो और एलिप्स को ड्रॉ किस तरह कर सकते हो। नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।